फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर, साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के। पूरी वीडियो में बने रहिएगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे की सभी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाती हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे जेई का लेकर हो, इंजीनियर को लेकर हो। जेटीसी और टीटी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको वीडियो मिल जाएगी सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिएगा, चलते हैं न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित की गई है। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर रेलवे की सभी अपडेट्स सबसे पहले आपको पहुँचाता रहता है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019, नो डेट टाइम एंड वेबसाइट, यहाँ पर बताया गया है आपकी डेट टाइम सभी आपको यहाँ बता दिया है। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2019 डेट एंड टाइम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आर रिलीज विल बी अवेलेबल ऑन द रीजन वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट 13 फरवरी। यहाँ पर बताया गया है 13 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे की पब्लिश कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की फिजिकल डेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द रिलीज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी एग्जामिनेशन ऑन 13 फरवरी। द कैंडिडेट who had appeared in the CVT can check the result through all the region based official website. Those who pass first level will be appear with physical endurance test. ठीक है, आपका जो इसे हम बोलते हैं PT date the will be released later. देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होते ही 15 दिन के अंदर आपकी फिजिकल जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, फिजिकल डेट आ जाएगी आपके इस महीने के अंतिम में। फिजिकल डेट आते ही आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होते ही 1 मार्च से आपका असेंबली जी का 1 मार्च से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये 1 फरवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बता दिया गया है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट 13 फरवरी से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपकी फिजिकल की डेट यहाँ पर बता दी जाएगी। रेलवे की मैं बहुत सी वेबसाइटों पर ऑफिशियली ये न्यूज़ आ चुकी है पहले भी कि रिजल्ट जारी होते ही फिजिकल की डेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फिजिकल की डेट जो है वो रिजल्ट के बाद ही घोषित की जाएगी, यानी कि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत आपकी फिजिकल डेट दे दी जाएगी। फिजिकल डेट आते ही आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे फिजिकल की, जो कैंडिडेट लिस्ट में है नाम उनका होगा, यानी कि जो लिस्ट में पास होंगे रिटन टेस्ट में उनके लिए। और मैं आपको बता दूँ, फिजिकल की डेट रिजल्ट एडमिट कार्ड दे बहुत जल्दी से आपके फिजिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी कम से कम 15 दिन में ही आपका फिजिकल करवाना शुरू कर दिया था रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर आप 15 दिन मानकर चलिएगा, वो तो मैं मानकर चलता हूँ 1 मार्च से आपके यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यूज आप एकदम ऑफिशियली मानकर चलिएगा। तो आशा करता हूँ इतना था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। रेलवे की हर अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है, और रेलवे की सबसे पहले आप अपडेट देखना चाहते हैं, सबसे पहले न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेक्निकल हिंदी चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।